2018 में जहां कुछ नए शोज और सुपरनैचुरल ड्रामा ने लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी है, वहीं माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी कुछ सीरियल सामने आए हैं जिनमें स्टार भारत से राधा कृष्ण एक अच्छी टीआरपी बटोर रहा है। वहीं स्टार प्लस का एक ऐसा माइथोलॉजिकल शो भी है जो अच्छी टीआरपी गेन नहीं कर पाया और जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। यस, स्टार प्लस पर दिखाए जाने वाला शो करण संगिनी जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। महज 6 महीनों में ही इस शो को बंद करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये शो दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया। हालांकि इस शो की ओपनिंग बहुत ही ग्रैंड हुई थी और इसके सेट और कास्ट भी बेहद ही एक्सपेंसिव और ग्रैंड रहे हैं। इसके बावजूद इसकी कहानी और एक्टर्स दर्शकों के साथ कुछ अच्छी केमिस्ट्री बना नहीं पाए। इस शो के लीड में हमें दिखती हैं तेजस्वी प्रकाश और आसिम गुलाटी। IWM बज की माने तो ये शो करण संगिनी अपना लास्ट एपिसोड 25 फरवरी को ऑन एयर करेगा। ये न्यूज खुद इस शो की ही एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री कंफर्म कर चुकी हैं, जो इस शो में राधा का रोल प्ले करती हैं। उन्होंने कहा कि ये शो बंद तो हो रहा है मगर क्यों, इसका जवाब चैनल और प्रोडक्शन हाउस अच्छे से दे सकता है। इस शो की कहानी नो डाउट सबसे अलग रही है, जो कहानी कर्ण की वाइफ और उसके व्यू पॉइंट पर आधारित है। मेकर्स ने बहुत सारी कोशिश की जिससे वो ऑडियंस को रिटेन कर पाए। इसके लिए उन्होंने कई बार स्टोरी लाइन्स चेंज की और एक्टर्स को भी रिप्लेस किया। इसके बावजूद ये शो कभी भी टीआरपी की अच्छी रफ्तार नहीं पकड़ पाया। कर्ण संगनी को रिप्लेस कर हमें वहां पर दूसरा सुपर नेचुरल शो दिव्य दृष्टि स्टार प्लस का ये शो दिव्य दृष्टि लोगों को अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब करवा पाता है या नहीं। फिलहाल रिश्ता टीवी का में इतना ही। अपने फेवरेट सीरियल और एक्टर एक्ट्रेसेस से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और फिलहाल दें इस वीडियो को थम्स।